राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सभी फ्रेंड? सो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा था, हम और सभी काम कर रहे थे, तो रोटी बना रहे थे हम। और देखिए, बैलों के लिए रोटी ले रहा है, ले जा रहे थे ना, श्राद्ध के दिन है तो ऐसे नहीं बनाते तो नहीं, बट ऐसे देते हम, मतलब बैलों को रोटी और पेड़े। और देखिए, हमने दाल लगा ली थी, और लेके जा रहे थे अभी सोनू मोनू के लिए रोटी। और देखिए देखिए, हमारा कट्टू और गुलाबो पहले से ही बुलाने लग जाते हैं रोटी के लिए, सो दे रहे थे इसको रोटी। और एक हाथ से पकड़ा हुआ था ना माइक, फोन सॉरी, सो उससे मतलब अच्छे से नहीं पता लग रहा था ना हमें ना, सो फिर अच्छे से सूट नहीं हुआ ऐसे। और देखिए, हम जा रहे सोनू मोनू के पास उनको देने के लिए, और मोनू को दे दी थी हमने भी, दे दी थी सोनू को, देखिए सोनू को भी दे दी हमने और मोनू को भी दे रहे थे पेड़ा। और देखिए, अभी इनके मतलब इनके पाँव पाँव छूने चाहिए ना, तो इनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और देखिए, तो अभी आ गए थे बच्चे स्कूल जाने के लिए, 8 8:30 हो गए शायद, तभी आ गए थे बच्चे, और हमने इतना काम कर लिया था। देखिए, इसका नाम नैना, अक्षय, प्रिंस पीछे है मम्मी के साथ, और मेरी छोटी बहन। सो जा रहे हैं बच्चे स्कूल को। देखिए, अभी उसके बाद हम आ गए खेतों में, घर का काम खत्म करके। देखिए, ये है हल्दी का पेड़, हल्दी जो होती है ना, तो उसका पेड़ है ये वाला। और देखिए, हम सब क्या कर रहे थे आज, आज हमने मक्की तोड़ दी, और मेरी मम्मी जी और मेरी छोटी सीस। और देखिए, हम मक्की तोड़ रहे थे, और देखिए मतलब जंगली सूअर होते हैं ना, उन्होंने हमारी फसल को खराब कर दिया। और देखिए कैसे खड्डा डाल दिया, मतलब कि पूरा जमीन का सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने। और देखिए, ऐसे मक्की अभी हरी हुई थी, बट अभी तोड़ने पड़ी, ऐसे बीच बीच में से हमने तोड़ दी, हरी हरी रहने दी, बट जंगली सुअर जो आ रहे हैं ना, वो बहुत नुकसान करते हैं, वो ना हरी छोड़ते ना पक्की, कोई भी नहीं छोड़ते, उन्होंने ना मतलब सारी खराब कर दी बीच बीच में से। तो दिखाते, बट घर पत्ते हमने ना वो ठीक कर दी थी। और देखिए, अभी जा रहे थे मक्की लेके सर पे, बूटा बूटा उठाया हुआ था सर पे टोकरी पे, और ऐसे भी चढ़ाई पे ले जाते हैं ना, सो थक जाते हैं, और ऐसे भी चढ़ाई में मतलब वजन नहीं उठाया जाता। और देखिए, मेरी शीश जा रही थी, शीश आगे चल रही थी, और मुझे बोलती है तू बना बना वीडियो, और बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई, ऐसे अच्छे से नहीं बनी। और देखिए, अभी जा रहे थे हम, सो आगे फेंक रखे थे हमने खीरे, नीचे रखे हुए थे हमने खीरे, और उनको उठा रहे थे, बट एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ था, तो बहुत मुश्किल से फोन नीचे गिर गया था, सो एक हाथ से डाल रहे थे खीरे टोकरी में, और ऐसे भी ना वजन उठाया था सर पे, तो बड़ी मुश्किल से बनाई हमने वीडियो। और देखिए, अभी डाल लेते पहले खीरे हम, तो उसके बाद उठा ली हमने, डाल दिए सभी के सभी खीरे इसमें। और देखिए, अभी आधे रास्ते में पहुंच गए थे हम, अभी आधा रास्ता बाकी है। और देखिए, हमारे यहाँ पे सो काम पहुंचने वाले थे अब घर थोड़ी देर में। और देखिए, यहाँ पे ना चढ़ाई बहुत है हमारे यहाँ पे, पहाड़ी एरिया है ना हमारा, तो यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि कोई भी फसल होती है तो ऊपर कुछ चढ़ानी पड़ती है। और देखिए, पहुँच गए थे हम कमरे में, और फेंक दी हमने मक्की की टोकरी, और मेरी शीश भी थी पीछे, और शीश ऐसा लग रहा है सर टूट गया जैसे, और मेरी शीश हटा रही थी टोकरी। सो देखिए, खीरा और दो खीरे इसमें रह गए थे ढूंढने के लिए। और देखिए, हमारे कैसे कद्दू लगे हुए हैं यहाँ ये घर के साथ ही, बट बिना दवाई की सब्जी है ये, इसको हम दवाई नहीं दिए ऐसे। देखिए कितने अच्छे से लगे हुए हैं सब्जी हमारे यहाँ पे, और मतलब कि ये बेल ना हमने गर्मियों में लगाई थी, ये वाली बेल। सो देखिए, खीरे, और दिखाते हैं आपको आगे भी खीरे, इस पे भी लगे हुए हैं, देखिए कितने सारे छोटे छोटे लगे हुए भी इसमें खीरे, ये भी बिना दवाई के है। और देखिए, पपीता, कितने अच्छे पपीते हैं यहाँ पे हमारे। और देखिए कितना अच्छा है ना कद्दू का पेड़, और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है ना। और देखिए आप, यहाँ पे भी लगे हुए कद्दू,